फातिमा के प्रैंक कर रही हो, मजाक कर रही हो दो दफा। गाइस फातिमा की तबीयत खराब हो गई थी। माइलो मेरा बैग कहाँ गया, मेरा ग्रीन बैग। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोफेसर YouTube चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैंने ऑलरेडी अपना ड्रेस पहन लिया हुआ बारात वाला, क्योंकि ये इसको फिट करने में फिटिंग शिटिंग करनी थी तो मैंने ऑलरेडी पहन लिया। ठीक है, आज बारात है, बारात आज हमारी बहन चली जाएगी। रुक सकती है तो बहुत इमोशनल भी होने वाला है। घर से ऑलरेडी पार्लर चली गई, अब उसने दोबारा घर नहीं आना। गाय सो क्या मैंने ड्रेस से पहले पहन लिया था, क्योंकि मेरा ड्रेस फिट करने में बहुत टाइम लगना था। अब मेरे ना ड्रेस का ना मुझे ये मस्त आ रहा है कि ना सारा फूलने वाला मुझे चाहिए, तो मम्मा ऊपर से जो है ना वो केन निकाल रही है इस टाइम पे। बाकी ये लोग जो है सारा सामान वगैरह पकड़ रही है और सब समेट रही है। घर में इतना गंद डला हुआ है यार, पता लग रहा है कि शादी वाला घर है। वो मम्मा ने केन निकाली, हम नीचे केन पहनते हो, देखो थोड़ी सी बारबी लुक आएगी इससे। और गाइस बी इग्नोर माय पिंपल्स, क्योंकि पता नहीं शादी के दिनों में आ गए हैं, कहां से आ गए, जाओ वापस। मैंने अपनी फ्रॉक में जो केन लगा ली, अब थोड़ा सा ना लाइक उसके अंदर बाउंस आ गया और अच्छी लग रही है। और यार ऊपर ये पहन लेते हैं ताकि ठंड ना लगे बस, क्योंकि इतना ओवरऑल टाइम में ठंड लगनी है। अभी मेरा दुपट्टा भी है इसके साथ, मुझे ना ऐसा लगा मेरा ड्रेस बहुत सिंपल है बट मेरा दुपट्टा भी है, तो जब दुपट्टा आएगा तो तब अभी देखा। हिरापी ये देखो इसके ऊपर ये कैसा लग रहा है, कूल नहीं लग रहा क्या हुआ? नहीं अच्छा, मैंने देखा था सव्यासाची स्टाइल को। अबे बस कर, बाकी के प्रैंक कर रही हो, मजाक कर रही हो दो दफा। ये मेरी ज्वेलरी, मेरा ग्रीन बैग साथ पकड़े साथ में ग्रीन ज्वेलरी, ये सब मेरी ज्वेलरी। और फातिमा ने स्टाइल किया, ये मुझे फातिमा ने स्टाइल किया। फातिमा मेरे ऊपर ये कैसा लग रहा है, और मेरे हाथ में ये कैसा लग रहा है? बहुत बहुत आप तो मैंने ले लेनी है, आपका ये ऊपर वाला तो मैंने ले लेना है। ठंड से बचने के लिए लगाया, तो खैर निकलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा लेट हो गए। फातिमा जल्दी निकलो, हम लोग बहुत लेट हो गए। हम लोग फटाफट से निकलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने जल्दी लोकेशन में पहुंचना है। अच्छा सा गुलाज मेकअप कराऊंगी, सो लेट्स गो। मेरे ड्रेस संभालना पड़ रहा है कि जमीन पे ना लग जाए। अब हम ड्राइवर अंकल के साथ जाएंगे, फातिमा पहले ही बैठ गई। हटो यार मुझे बैठने दो, मेरे ड्रेस को अलग जगह चाहिए होती है। सो हम लोग फाइनली गाड़ी में बैठ गए, बैठ के ब्रेटिंग स्टार्ट कर दी है, अपने आप ही देखी जा रही है। So, let's go. ये गाड़ी लैपटॉप यूज करती है, इसको उल्टी आ गई। फातिमा जल्दी जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। फातिमा ने गाइस बहुत उल्टी कर दी है, इसको एडिटिंग की वजह से उसका भी मना भी किया, ना किया कपड़ा बिछाया। फातिमा आइंदा के बाद गाड़ी में एडिटिंग करोगी? गाइस फातिमा की तबीयत खराब हो गई थी। ओके गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये है घर। ठीक है, यहाँ पे है हमारा सलून। ओह मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाने, कपड़े वगैरह पकड़ते हैं, अंदर चलते हैं। यार ये एंटर होते साथ अभी तक क्यूट सा डोगू भी है। ओ इसको, इसका नाम है माइलो, माइलो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग सैलून पहुंच गए और फातिमा की तबीयत थोड़ी खराब है और अभी बहुत डाउन हुई है, बट कोई बात नहीं, फातिमा हो जाओगी ठीक। पापा ने अंडे बना के दिए ना, उसकी वजह से इसका हुआ है। पापा देख लें, अगर आप देख रहे ना व्लॉग तो ये आपके अंडों की वजह से हुआ है। अब हमारा यहाँ पे मेकअप स्टार्ट होगा, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग आए हैं नवीदा इकबाल के पास, अब यहाँ पे देखते हैं मेरी कैसे लुक जनरेट होती है, लेट्स सी। और फातिमा को यहाँ पर लेमन वगैरह ला के दिया जा रहा है क्योंकि इसकी तबीयत, इससे तुम खा के ना ठीक हो जाओगे, उससे तुम्हें बस गला ना खराब करवा लेना। ओके गाइस, सो मेरा तो मेकअप होने लगा है स्टार्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं इस दफा बना रही हूँ फुल बन, ठीक है, और साथ में हमारी बिंदिया लगनी है तो बहुत प्यारी लुक आएगी इस दफा। फाइनली गाइस, जिसका सबको वेट था कि आप बन नहीं बना रही, तो आज फाइनली आप बन बना रही हूँ वो। और गाइस मेरा मेकअप स्टार्ट होने लग गया, देखते हैं मेरी क्या अच्छी सी लुक निकालती है। होप्स होके बहुत प्यारी लगनी चाहिए, ब्राइड मेड हूँ तो बहुत प्यारी लगनी चाहिए। ओके okay, मेरा मेकअप हो गया, बट अभी नहीं दिखाऊंगी, तो खैर मैं भी खाना खा लूँ, फिर हम लोग आपको मेकअप दिखाते हैं। इधर जानक का मेकअप हो रहा है, इधर फातिमा का भी हो रहा है। ओके गाइस, सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने पीछे पूरी स्लीक बन बनाया है, ठीक है, आगे बिंदिया इयररिंग्स। अभी मेन चीज़ रहती है जो मेरा बैग है वो ग्रीन कलर का, उसने पूरा हमारी लुक को जो है ना वो कंप्लीट करना है। ये साथ आएगा तो आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। ओके गाइस, ये है मेरी फुल लुक और साथ ही मैं ग्रीन बैग पकड़ी हूँ क्योंकि मेरी बिंदिया और इयररिंग ग्रीन है। और इधर जैनब भी तैयार हो गई है, जैनब भी बहुत प्यारी लग रही है, बट आपके जूतों का क्या ही कमाल है। मैंने हील्स पहनी है या फिर जॉगर्स, मुझे सजेस्ट करो। बेटा जॉगर्स मैं पहन रही हूँ, मैं लेकर आई थी घर से, बट प्यारी लग रही हो तुम। मैं वैसे पूछूं हील्स या जॉगर्स? जॉगर्स नहीं, सॉरी हील्स। ऐसे करके ना बेटा, जॉगर्स मैंने पहनने हैं। मैं वैसे पूछ रही हूँ जॉगर्स से हील अच्छा क्या लगेगा? अच्छा तो ऑफकोर्स हील लगेंगे, जॉगर्स अच्छे लग सकते हैं, खुद बताओ। मैंने हील्स नहीं पहनी, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता, मेरा मसला है। और फातिमा भी इधर रेडी हो गई है, फातिमा के लुक कुछ इस टाइप की है। ये दोनों ब्लैक है, बस मैं ही रेड हूँ, ब्राइट जैसी। जहाँ तुम्हें सिर्फ यहाँ पे खाने की पड़ी है, मेरे लोगों को फुल लुक दिखाओ। मेरा छोटू को गाइस कमेंट में बताया, मेरा छोटू कैसा है? सोनिया मेरा भी आना था ये पर्स, लेकिन मैं लेकर नहीं आया। यार फाइनली मैं तैयार भी हो गई हूँ, मैंने अपना बैग पकड़ लिया, अब यहाँ से निकलने की तैयारियां करनी है हमने, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। मैं बस इनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, थैंक यू आपने मेरा इतना अच्छा मेकअप किया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू ओके, हम लोग तैयार होकर अपने ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने मैंने यहाँ पे अपना शूट किया है, इधर किया है, यहाँ पर किया है, सारी जगह पर अपनी पिक्चर्स वगैरह बना लिए। बट वहाँ जाकर भी हम लोग बनाएंगे जो मेन हमने शूट वगैरह करना है, और आप दुल्हन की एंट्री वगैरह सब होनी है, और हम लोग अभी तक स्टिल 6 बज गए, हम लोग पहुँचे नहीं हैं, तो जल्दी निकलते हैं। एंड यार इनका जो पार्लर में इनका जो घर है वो इतना खूबसूरत, बंदे को यहाँ पर आके किसी स्टूडियो की जरूरत नहीं, मतलब यहीं पर शूट कर ले कसम से, इतनी प्यारी, ऊपर से बहुत प्यारा घर है इनका माशाल्लाह। आपको मैं इनके घर का टूर करवाती हूँ। ये इनका कोई मेरे ख्याल से गेस्ट रूम है शायद। हमारा मेकअप रूम तो आपने देख लिया, आपको मैंने हॉल भी दिखा दिया, आपको मैं इनकी चेयर्स भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्रिटी है। यहाँ से ये है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है, ये वाली इन्होंने शायद ना वो बनाई हुई है बच्चों वाली जगह, और ये मैं हूँ। और गार्डन इनका इतना प्यारा, इतना बड़ा है, वेरी प्रिटी। जब भी अच्छा घर देखती हूँ तो मेरा उसका तारीफ करने का दिल करता है, क्या लोगों ने मेहनत की हुई है, प्यारा इंटीरियर डिज़ाइन क्या है। इंशाल्लाह मम्मा को भी दिखाती हूँ, मम्मा हम भी थोड़ा अपना अगला वाला ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। गाइस मुझे एप्पल लेके मम्मा की याद आ रही है, मम्मा जब भी हम ऐसे तैयार हो रहे होते हैं ना, हमें ऐसे काट करके देती है, खा लो आप मम्मा आपसे खुश हो रही है क्योंकि आप भी वही काम कर रही है मम्मा वाला। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग रेडी हो गए, और आपका गाड़ी आ गई हमारी, बाय बाय घर, प्यारे घर, चलो चलेंगे गाइस, जल्दी आ जाओ, चलो यार फाइनली। ओके गाइस सो हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं घर से, अब आपसे लोकेशन पे जाकर मिलती हूँ। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुँच गए हैं, इतनी अपनी चोटी लेकर, चलो चलते हैं। मम्मा और हिरापी वगैरह भी आ गए होंगे तो चलते हैं उनके पास, और मुझे लाइक ठंड लग रही है बट कम लग रही है क्योंकि आज मैंने वेलवेट पहनी हुई है, पीछे भी इसका ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो चलो जाके देखते हैं क्या हमारी दुल्हन अभी नहीं अभी सेहरा बंदी, अभी यहाँ पे डेकोर हो रहा है, ठीक है ये किसी और शादी का हो रहा है लगता है यार, एंट्री की तरह यार, चलो यार जल्दी, मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगनी चाहिए बट फिर भी लग रही है यार। और गाइस फाइनली हमने अंदर एंट्री मार दी, आज का जो डेकोर है फुल रेड रेड है, ये हमारे बाउंसर्स हैं, ये रेड डेकोर है, और ये हमारा स्टेज है, ये जैनब है, ये फातिमा, और ये हिरापी की आज की लुक है। हाय थैंक यू, व्लॉग में लेने का ले देखो ले लिया, आज से बच्ची व्लॉग में आ गई, बाय। और अब इधर हमारा शूट होने लगा है, सो फाइनली बारात आ गई है, अब ये मोमेंट है बारात का जिसके लिए सब लोग आए हैं, तो दूल्हा वाला आ गया है, तो हम लोग पकड़ेंगे फूल की प्लेटें, ठीक है, और उसमें फिर हम फूल फेंकेंगे सबके ऊपर, बहुत मजा आने वाला है। आई कब आई है बारात, इन्होंने मुझे अभी इतना जल्दी, अच्छा सा जहाँ से हमने फूल की प्लेट्स पकड़नी है, मेरे राबिया दूल्हे की सालियाँ, हमारी मांगे पूरी को मेरी बहन की शादी, और मैं दूल्हे की साली हूँ तो मैं दूल्हे की साली हूँ। एस्ट्रोलॉजी जैनब को पकड़ा दो, एस्ट्रोलॉजी कौन पकड़ेगा जैनब, और ये मेरी क्यूट सी बहन है, हेलो। अभी नहीं पकड़ना, ठीक है ये हम एंट्रेंस से पकड़ेंगे अभी नहीं, तो दूल्हे की साली आराम से पकड़ लिया, मैं तो ये लगे दूल्हे की साली हूँ, लेकिन आज मेरा दुपट्टा जो है वो, मेरा बैग कहाँ गया, वो फातिमा ने बैग वापस करना था, और वो अगर गुम गया हुआ ना तो मैं तो गई, दिखा कहीं नहीं है, यहाँ पे नहीं है, किसी ने उठा लिए मेरा ग्रीन बैग, यार मेरा ग्रीन बैग पानी में तो नहीं गिर गया कहीं, मेरा ग्रीन बैग कहाँ चला गया गाइस, ये तो मेरे हाथ में है, मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि मेरे हाथ में था बैग, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हाथ में, और मैं बैग ढूंढ रही हूँ, अल्लाह वो बैग का हाथ ने मेरे इतना डाला, वो तो खैर बारात आने वाली है, और मुझे इतना हसल फील हो रहा है, चलो 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 चलो, ओ हाय मम्मा कैसी है, बहुत प्यारी लग रही है, चलो बारात आ गई है, बारात आ गई, मम्मा अभी बाद में मिलेंगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान, रुको जरा यार गाइस मेरा भी व्लॉग बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो नहीं मैं प्लेट पकड़ूंगी कि कैमरा पकड़ूंगी, सारे बच्चे पीछे हो जाए, अच्छा एक सेकंड इसको मम्मा के पास छोड़ कर आते हैं, वो मम्मा उधर बैठी है, जाओ मम्मा के पास घूम जाओगी ऐसे, बारात वाले कब आ रहे लड़के वाले कब आएंगे, लड़के वाले कब आएंगे, लड़के वाले कब आएंगे, यार मेरी बात सुनो, सबने शाउट करना है दूल्हे की सालियां, दूल्हे की सालियां, दूल्हे की सालियां, मैं बड़ी ब्राइड बनू ना, पता नहीं मैं हेड लेना हूं यार, यार नहीं ये छोटी है यार, दोनों छोटी बात क्या है, साइड लंबा इंसान भी है, तो लड़ी है उसका, छोटी ब्राइड में ना उसको लुक अप करो तो चल जाती है यार, ना ब्राइड बैठा हुआ है गाइस, सब छोटी ब्राइड हो गई है, जल्दी से दूल्हा कब आएगा, 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 दूल्हा कब
बारात ऐसे आएगी, रीत भाई ऐसे आएगी, ये सब वाले को पिलाने हैं। बेटा अब आप लोग बेशक साली आने घर वाली ए यो दोबारा।